यहाँ पे मोनू ने ये तीसरा केकड़ा पकड़ा है। हाँ सही दिख रहे हो ना। हाँ देखो, ये हमारा चिकन रेडी हो चुका है। आज के रेट में इस केकड़े का भाव 5 रुपया एक है। मोनू ये अपने चौथा केकड़ा पकड़ा है। बहुत पकड़ेंगे आज भाई। पर आते यहाँ पे देखिए वाटरफॉल है। देखा जिस तरह मच्छी को पकड़ने के लिए ना अपन चारा डालते ना, उसी तरह इसे पकड़ने के लिए। नमस्ते सत श्री अकाल आदाब हेलो फ्रेंड्स, केम छो, दिस इज किरण गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग ने अगर थंबनेल देखा होगा और टाइटल पढ़ा होगा तो आपको तो पता चल चुका होगा कि मैं कहाँ ट्रैक कर रहा हूँ। मैं आज ट्रैक करने वाला हूँ यहाँ पे ये खूबसूरत वादियों में, वहाँ पे जाना है ऊपर ताहुली पीक जो कल्याण में। और आज फिर से मेरे कुछ पुराने, बहुत पुराने स्टूडेंट वो लोग हैं और एक मेरा फ्रेंड है, तो उन लोग से मैं आपको आगे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। आप स्टार्टिंग से वीडियो देखिए जहाँ से मैंने बनाया है, जो भी डिटेल्स है आपको आगे पता चलेगा। अभी मॉर्निंग का 7 बज रहा है और मैं बताता हूँ आपको, हम लोग यहाँ से ये है कल्याण से आता है और ये 4 रास्ता है। ये जाता है अंबरनाथ बदलापुर और यहाँ पे जाओगे आप तो डोंबिवली साइड, और ये सीधा इसको बोलते हैं हाजी मलंग रोड, आप ये याद रखिए। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके। इस बंदे को आपने मेरे साथ कितने ही ब्लॉग में देखा होगा, इसका नाम क्या है, कितना अच्छा प्यारा नाम दिया माँ बाप ने, लेकिन सब तेरे को ऐसा क्यों बुलाते हैं, ब्रिजिया है ब्रिजिया। और ये के मोनू जो मेरे लास्ट वाले व्लॉग में था, बट आज दो पुराने स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम मेरे को ज्वाइन कर रहे, तो उनसे मैं आपको इंट्रो करा दूँ। ये है अपना डार्लिंग शुभम, क्या शर्म आ रहा है। तो ये हमारे ग्रुप का बॉडी बिल्डर, थोड़ा पोज वोज दो यार। और यहाँ पे है प्रिंस, ये भी मेरा बहुत पुराना स्टूडेंट है। तो भाई कुछ बोलो यार, बना लिया है। हाँ ये नहीं, सब गया जो बना था सब गया। हाँ क्या शिवम कैसा है, एकदम बढ़िया। क्या कर रहे हैं अपन इधर, अभी ट्रैकिंग पे जा रहे हैं अपन। हाँ तो अभी क्या करने वाले अपन, मस्त यहाँ पे गर्मा गर्म वड़ा निकाल चुके और नाश्ते में तो सबसे बेस्ट वड़ा पाव होता है। नाश्ता हो चुका है, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे और ये सीधा हम जाने वाले यहाँ पे ताहुली के लिए। ये पूरा हाजी मलंग रोड है, जो भी डिटेल्स है आगे बने रहिए, पूरा डिटेल्स आपको मैं बताते रहूँगा कि कहाँ से आना है कैसे आना है। पहले आप लोगों ने जो सिनेमैटिक शॉट देखा तो देखा कितना ग्रीनरी हो रखा है, मींस रोड के लेफ्ट और राइट साइड में बहुत ही अच्छा ग्रीनरी हुआ है। और ये देखिए हम लोग यहाँ से आए, ये स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया था हाजी मलंग रोड, यही है यहाँ से हम आए। मतलब अगर आप कल्याण साइड से आ रहे हो तो यहाँ पर आना है और ये साइड जाता है हाजी मलंग। उस सामने जो आपको जो वो पहाड़ का रेंज दिखाई दे रहा है ना, माउंटेन रेंज, वो हाजी मलंग है, बट हमको वो साइड अवॉइड करना। ये देखिए यहाँ पे एक रिहैब सेंटर है कम्युनिटी लिविंग करके, जस्ट उसके ही ऑपोजिट में यहाँ पे ये है खुशी वाली विलेज। ये वाला जो गांव, यहाँ से जो अभी विलेज लगेगा खुशी वाली, वो ताहुली का बेस पॉइंट है। क्या बोलते हैं मंडली लोग, नाश्ता पच गया? अगर नहीं पचा तो यहाँ से बस खाली आगे जाना है, पार्किंग करना है, तुझे तो पता ही है। फिर उसके बाद तो एक हफ्ते का जो खाया हुआ है पच जाएगा, एक हफ्ता महीने का। वैसे मोनू वो जो ऊपर का जो टॉप वाला रेंज है ना, वहाँ तक चढ़ना आज। कैसे चलेंगे? पैर से। हाँ आज ही जाना है। मैं तो सोच रहा था कि अपन कल का करते तो ठीक था ना। ब्रिजेश और मोनू ने मेरे साथ ऑलरेडी ट्रैकिंग कर लिया है पहले भी, बट प्रिंस और शुभम ने
जब हम लोग यहाँ पे आ रहे थे तब इन लोग ने मुझे बताया था, प्रिंस ने मेरे बिल्डिंग के नीचे बताया, बट शुभम ने गाड़ी पे आते आते बताया कि ये दोनों का फर्स्ट टाइम है। तो ऑल द बेस्ट तुम दोनों को। अभी सर याद आ गया मुझे, तेरी हालत। अगर कल तुम लोगों का कुछ इम्पोर्टेंट काम है तो अभी से ये शाम को फ़ोन करके बोल देना कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि कल तुम लोग बहुत अच्छे से सोने वाले हो। चलिए सीधा कहाँ तक हम लोग जाते, गाड़ी लगाने का पार्किंग का है वहाँ तक मैं आपको आगे का वीडियो दिखाता हूँ। हम लोग ने एक जगह पे गाड़ी पार्क कर दिया है और क्लाउड में शायद दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, बट ये जो रेंज है ये पूरे रेंज को बोलते ताहुली रेंज, वहीं तक ट्रैक करना है हमें। और ये साइड देखिए, ये है मलंगगढ़ रेंज, ये जो है ये वाला। ठंडा क्लाइमेट है, बारिश हो रहा है जा रहा है, हो रहा है जा रहा है, बट धूप नहीं निकला है। हाँ, 8 बज गए, हम लोग ने ट्रैकिंग स्टार्ट कर दिया। अब देखते हैं हम लोग ऊपर कितने बजे तक पहुँचते। ताहुली का अगर आपको ट्रैक करना है तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है कल्याण। कल्याण से आपको हाजी मलंग के लिए ऑटो भी मिल जाएगा शेयरिंग में, या तो आप प्राइवेट आना चाहते हैं ऑटो या फिर बस चलता है। आप कल्याण वेस्ट में उतरिए, वहाँ पर बस स्टॉप है, वहाँ हाजी मलंग का बस लीजिए और कुशीवली विलेज उतरिए। आप कंडक्टर को बोलोगे कुशीवली विलेज तो आपको बता देंगे उतारने, उधर ही उतरना है आपको। और जहाँ उतरोगे, फिर इससे पहले मैंने जो आपको रिहैब सेंटर बताया उसके ही ऑपोजिट में एक रास्ता है, बस वो अंदर 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 आना है। और आपको आते ही यहाँ पे मलंगगढ़ का रेंज दिखा देगा और ये पूरा ताहुली रेंज है ये वाला। पब्लिक लोग, हाउ्स द जोश? सबसे अच्छी बात ये है कि हवा चल रहा है और पूरा ठंडा क्लाइमेट है, एक मजा है। लास्ट टाइम जब चढ़े थे ब्रिजेश तब तो पूरा धूप में चढ़े थे हम लोग, बहुत हालत खराब हुआ था है ना। आज तो इतना मुझे नहीं लगता होगा तेरा हालत खराब, आज हमारा हालत खराब होगा। पार्किंग से हम लोग आगे आ चुके और ये चारों यहाँ पे खड़े हैं। क्यों खड़े हो तुम लोग ऐसे? कहाँ जाना है? वो है ताहुली पीक का रेंज और ये हमारा पहला वाटर क्रॉसिंग। और ब्रिजेश, तेरे को ये पहला वाटर क्रॉसिंग देख के क्या याद आया? शू टूटा था। मैं जब फर्स्ट टाइम ट्रैक किया था ताहुली पे तो मैंने यही वाला शूज़ पहना था मेरा, रेड कलर का, जिसका जो सोल होता है वो पूरी तरह उखड़ गया था। हैंसन शायद देख रहा होगा ये वीडियो तो उसे तो याद होगा। अभी आगे चलते, चलो भाई लोग। शूज़ तो वैसे भी बारिश में गीला होने वाला, तो डरो मत, चलो घुसो अंदर। ताहुली के ट्रैक के लिए अगर आप आते हो तो जो मैंने स्टार्टिंग में रास्ता बताया उससे सीधे सीधे आप अंदर आते जाओगे तो आपको मार्किंग्स मिलते रहेंगे, एरो दिखते रहेंगे। और अब एक ऐसे पैच पे आ गए कि अभी तक तो सिर्फ आपको ऐसा नॉर्मल ज़मीन वाला पैच मिल रहा था, बट अब हम लोगों को ये इस टाइप के ऐसे पत्थर वाले पैच मिलेंगे। तो वहाँ से असली ट्रैकिंग शुरू हो जाता है, क्योंकि देख सकते कितना नैरो है, पूरा झाड़ झाड़ ग्रीनरी, पूरा नेचर के बीच में एकदम। चलते हैं आके। और आज तक मैंने जितना भी ट्रैकिंग किया है ये साइड में, कल्याण अंबरनाथ साइड में जितना भी ट्रैकिंग मैंने किया है, तो वन ऑफ माय फेवरेट है ये ट्रैक में बड़ा मज़ा आता है। और जो मैं नैरो पाथ की बात कर रहा था वो देखिए कितना छोटा छोटा है। ये देखिए जिस एरो की मैं बात कर रहा, ऐसा मार्किंग है बरोबर, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है
आपको मेरे इंस्टाग्राम की फ़ोटोज़ देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके फॉलो कीजिए। अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ हैं नेचर के साथ। थोड़ा ऊपर आने के बाद आपको ऐसा एक वाटरफॉल मिलेगा, देखिए यहाँ पे पूरा नीचे संभल के जाना है यहाँ से, इसलिए देखो मोनू ना अंदर साइड से गया है। तो ये पहला वाटरफॉल इतना बड़ा, जाओ छलांग मारो जरा, बाहुबली बनो कोई। वो बाहुबली हम छलांग भाई, तुम रील वील मारा कि नहीं, कुछ बनाया कि नहीं, तेरा रील चालू है ना? तो रील देखने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। वैसे मैंने सबका, जितने भी लोग मैं है, मैं प्रिंस का, ब्रिजेश का और शुभम का इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप किसी को भी फॉलो कीजिए, आपको ये ताहुली का देखने मिलने ही वाला है फोटो में। अब ये वाटरफॉल हम लोग को यहाँ से साइड साइड से क्रॉस करना है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर आप ट्रैक पे हो तो मजाक मस्ती कीजिए, बट जहाँ पे डेंजरस पैच हो या वाटरफॉल हो या वाटर क्रॉसिंग हो तो वहाँ पे मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पे फिसलने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। हाँ, आधे ये देखिए यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ, मार्किंग किया हुआ है, शिव मंदिरा गड़े लिखा है, भोलेनाथ का मंदिर आता है, फिर उसके ऊपर एकदम लास्ट पीक जहाँ पे चढ़ेंगे हम लोग, वहाँ पे भी एक शिवलिंग है और एक मज़ार भी ऊपर, यहाँ पे एक वाटरफॉल और हमें यहाँ से जाना है। अब यहाँ पे बारिश शुरू हो चुका है, आपको शायद अंदाज़ा आ जाए आवाज़ से, बट ये पूरा देखिए कितना घना जंगल है, इसके लिए यहाँ पे बारिश का बूंद ज़्यादा नहीं गिर रहा है, बट जहाँ जहाँ खाली है यहाँ से वहाँ पूरा दिखाई दे रहा है कि बारिश हो रहा है। और शुभम और मोनू वहाँ पे रुके, प्रिंस और ब्रिजेश यहाँ पे बैठे, हम लोग रुक गए रेनकोट डालने के लिए, क्योंकि जैसे मैं अपने कुछ व्लॉग में बताते रहता हूँ, मेरे पास कैमरा के कुछ एक्सेसरीज होते हैं, बैटरीज होते तो गीला ना हो, इसके लिए हम लोग रेनकोट पहन के आते, नहीं तो बारिश में हम लोग, तो आपने मेरा अगर पिछला वीडियो देखा होगा माथेरान से जब हम नीचे उतर रहे थे गार्बेज पॉइंट से, तो मैं और मोनू बहुत भीगे थे। देखा कैसा हैवी हैवी पैच है एकदम, ये पूरा पत्थर वाला है, एंड्यूरेंस लेवल अच्छा चाहिए यहाँ पे आने के लिए। यहाँ पे मोनू ने ये तीसरा केकड़ा पकड़ा है। हाँ सही दिख रहे हो ना? हाँ। चल अभी इसको मस्त तेल में फ्राई करके खाएंगे। तो थैली ओपन कर। मोनू आज फुल बेयर ग्रिल्स बना हुआ है, आज ये जंगल में मंगल कर रहा है केकड़ों के साथ पकड़ पकड़ के। अंदर घुस गया, आपको कुछ नहीं बोलेगा, अंदर घुस गया, नहीं मिल गया। हाँ मोनू ये थोड़ा बड़ा है रे, हट जा हट जा हट जा। देखा जिस तरह मच्छी को पकड़ने के लिए ना अपन चारा डालते ना, उसी तरह इसे पकड़ने के लिए पकड़ मत, पकड़ बड़ा नंबर, छोड़ मत छोड़ मत यार, नहीं तो फिर मेरे पास चार ही उंगली रह जाएगी। तो आज के रेट में इस केकड़े का भाव 5 रुपया एक है। मोनू ये तूने चौथा केकड़ा पकड़ा है, बहुत पकड़ेंगे आज भाई, आज तो ये ट्रैकिंग का असली मजा तो मोनू ही ले रहा भाई।
इसके लिए बोलता मेरे साथ आया करो तुम। और एक और बात बताने भूल गया आप लोगों को मैं, हाँ सिर्फ ये केकड़ा ही नहीं पकड़ रहा है, यहाँ तक कि ये सुबह 6 बजे उठ के चिकन वाले के पास गया, उसके घर से उसे उठाया है और 1 या 1.5 किलो चिकन भी लेके आया। 2 किलो लेके आया उधर से बोल रहे हो, और हम ऊपर जाके वही आज बनाने वाले। ऊपर एक एजेड इंसान रहते चंपक लाल काम है उनका, हम लोग लास्ट टाइम आए थे तभी भी उन्होंने मस्त गुड़ वाला चाय बना के पिलाया था, अभी उनको ही जाके हम लोग दे देंगे। हम लोग सब कैरी किए यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ कि नीचे से लेके ऊपर तक, मतलब जहाँ से ट्रैक स्टार्ट करते हैं वहाँ से लेके ऊपर आपको कुछ नहीं मिलने वाला, यहाँ पे एक शॉप नहीं है। ओके, तो आपको या तो पानी का बॉटल कैरी कीजिए, झरना बहुत है उसमें से पानी ले सकते हैं अगर आपका ख़त्म हो रहा है तो, एंड्यूरेंस लेवल बहुत हाई चाहिए, सबकी हालत बचेगी क्योंकि ये देखिए पूरा घना जंगल है। और यहाँ पे बारिश तो हो रहा है, छाँव तो है, बट हवा थोड़ा भी नहीं चल रहा है यहाँ पे क्योंकि एकदम घना जंगल है। और ऊपर जाके देखते हैं, आज नॉनवेज का प्लान है हमारा, जो इतने साल से मैं ट्रैकिंग कर रहा है ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि हम लोग नॉनवेज बना के खाने वाले, या फिर हम बनाए या फिर ऊपर जो एक एजेड से अंकल है उनको दे देंगे। ये 5वां पकड़ा उन्होंने, चिमोरी इसको बोलते हैं, लेकिन ये प्योर चिमोरी नहीं है। कुछ 30% हम लोग ने ट्रैक किया है, अराउंड 4 किलोमीटर, हाँ 4 किलोमीटर ना। और ऊपर आने के बाद यहाँ पे थोड़ा हम लोगों को ये ओपन एरिया मिला, तब जाके यहाँ पे थोड़ा सांस ले पा रहे क्योंकि खुला है और थोड़ा ठंडा हवा है, और ये पूरा यहाँ पे क्लाउड का मूवमेंट हो रहा है। मोनू ने यहाँ पे 6वां केकड़ा पकड़ लिया है। वाह मोनू, तेरे को लेके आना मतलब बहुत फायदे वाली चीज है रे। आप अगर किसी भी ट्रैकिंग पे रहते हो तो कुत्ते लोग आपके पीछे फॉलो भी करते या फिर वो आपके आगे आगे चलते, ऐसा कहा जाता कि वो रास्ता दिखाते। और हम लोग हमेशा, एक्चुअली मैंने कभी ये वीडियो में दिखाया नहीं इससे पहले जब ट्रैकिंग किया, बट बंदे लोग बोल रहे कि दिखा ही दो। हम लोग ना हमेशा बिस्किट हो गया या फिर खाने के लिए ब्रेड हो गया, पाव हो गया, या कुछ भी भाजी हो गया, ये सब हम लोग जो भी लाते, रोटी हो गया, हम लोग कुत्ते को डालते ही रहते। आज हम लोग चिकन भी लेके जा रहे नॉनवेज, तो ऊपर जाके जब बनाएंगे तब वो भी डालेंगे। इससे पहले भी एक ब्लैक कलर का डॉग है, कुत्ता है जो आगे गया। अपने हर वीडियो में कहता हूँ जो भी आप खाने को लाते हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो या कुछ पार्सल, बिस्किट, स्नैक्स, कुछ भी, वो आप जो भी उसका कचरा होगा, रैपर, बॉटल, वो रिटर्न लेके जाइए। यहाँ पे मोनू ने ये 7वां केकड़ा पकड़ा है, वैसे पकड़ा शुभम ने, बट हाथ में लेने का डेयरिंग सिर्फ मोनू ही कर सकता है क्योंकि हमारी तो फटती है। केकड़े खाने वालों के लिए ये जगह जन्नत है, यहाँ पे आपको जगह जगह पे केकड़े मिलने वाले। मोनू उसी फिराक में लगा हुआ है कि और मिले, लेकिन सीरियसली बोलूँगा शुभम, आज मोनू के वजह से ऐसा हमको लग रहा है कि आज हम लोग सच्ची में ट्रैकिंग कर रहे हैं, ट्रैकिंग मतलब केकड़ा पकड़ रहे, नॉनवेज भी ला रहे। वो देखो भाव खा रहा अभी। ए, आ गया वीडियो में। यहाँ पे मेरे को कुछ फ्रेंड्स लोग मिले और ये सब हैदराबाद से। प्रवीण, साहिती, श्रवण, महेश कुमार, तरुण। सो वी आर फ्रॉम ट्रैवलिंग थ्रू ऑफबीट कैंपस, सो आई ट्रैवल कंपनी बेस्ड ऑन हैदराबाद। सो वी डू लॉट्स ऑफ लॉट मेनी ट्रैक्स इन वेस्टर्न घाट्स। वी हैव इंस्टा पेज एंड वेबसाइट एज़ वेल, ऑफबीट कैंपस। ऑफबीट कैंपस, इनको भी इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, ऑफबीट कैंपस इनका इंस्टाग्राम का आईडी है, और ट्रैक से रिलेटेड कुछ मैसेज। एंड रियली इट्स एन ऑसम ट्रिप, यू विल एंजॉय सो मच इन दिस ट्रिप, यू विल सी वंडर्स फ्रैंकली स्पीकिंग, एंड इट्स अ रियली वंडरफुल 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 ट्रिप, डोंट मिस इट, दिस इज द फर्स्ट ट्रिक आई एम डूइंग इट, बट एंजॉयड अ लॉट सीरियसली,
and my guides both. Someone has helped me a lot in everything. Captains. And they are like a friends with each and everyone. And we enjoyed a lot seriously. It was a wonderful trip. और ये सब लोगों ने यहाँ पे नाइट स्टे किया एक्चुअली। तो कल ये रात नाइट स्टे इन लोग ने यहाँ पे किया है, जो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, जो चंपक मामा करके है उनके यहाँ पे रुकते ये। तो आप लोग भी अगर आते हो तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो। सिर्फ ये है कि जो भी खाने को लेके आना आपको नीचे से लेके आना है, ऊपर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, खाली यहाँ पे बना के दिया जाता है। और थैंक यू, सीरियसली बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। मोनू ने जो केकड़ा पकड़ा था, तो ये जो चंपक मामा है यहाँ पे हमें मस्त भूज के दे रहे। और ये है चंपक मामा। मामा भगा इकड़े। हाँ, इनको आप याद रखो, ये आपको अच्छा अच्छा खाना बना के देंगे, आपको बाहर से लेके आना है। सिर्फ आप राशन लेके आओ, ये आपको अच्छा बना के देंगे। ये अभी हमको मस्त केकड़ा भूज के दे रहे, उसको तोड़ तोड़ के। मोनू मेहनत रंग ला रहे तेरा, मस्त खुशबू आ रहा है ना। शुभम वहाँ से बोल रहा था कि मेरा मुंह भी दिखाओ। चलो दिखाओ मुंह। चलो हो गया सेट। अब बस इससे ज्यादा कुछ नहीं आता ना। आते ना सर, बोले ना क्या कुछ तो बोलो। चैनल को लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, सब्सक्राइब भी कर लो भाई। ये कौन बोला? पिरिंस बोला, पिरिंस। और किरण गुप्ता यूट्यूब पे। हाँ, का यूट्यूब पे चैनल है, उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट भी करो। लेकिन तेरे को तेरा लाइफ का फर्स्ट ट्रैक कैसा लगा? एकदम सेक्सी है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ गया है ना। अभी हर संडे जाएंगे है ना। और कुछ संडे से अगर कोई भी या नेक्स्ट टाइम से कुछ प्लान रहेगा तो बिंदास बिंदास एनी टाइम तो बोलो, बस धूप में मत बोलना। धूप में काला पड़ रहा, धूप में मैं तो आऊंगा, मेरा कंफर्म है। वो जो झोपड़ी था वहाँ पे आप स्टे कर सकते हो, वहाँ पे रुकने के लिए बनाया हुआ है। और उसी के जस्ट सामने, जैसे मैंने बताया था कि भोलेनाथ का जो मंदिर है, ये है भोलेनाथ का मंदिर। ये देखिए वहाँ पे शिवलिंग है, यहाँ पे नंदी, और ये भोलेनाथ का मंदिर, ब्रह्मा जी और गणपति जी। यहाँ से बाहर आते हो तो यहाँ पे है, हाँ, एक शिवलिंग। मैंने आपको ये मंदिर दिखाया, बस उसके सामने से यहाँ से एक रास्ता है, यहाँ से ऊपर जाना है। और अब यहाँ से कुछ एक डेढ़ घंटा लगेगा अंदर जाके, उसके बाद सीधे हम ताउली पीक पे पहुँच चुके होंगे। और जो राशन हम लोग ने लाया था, जो हम लोग ने वहाँ पे जो चंपक करके एक मामा है, हम लोग उनका मामा ही बुलाते, तो हम लोग ने उनको दे दिया है। जो भी हम लोग ने चिकन लाया था और सारा मसाला, चिकन, तेल और राइस जो भी लाया था वो हम लोग ने दे दिया है। और वो आपसे कुछ डिमांड नहीं करते कि इतना पैसा चाहिए या इतना बनाने का, मैं इतना लूँगा, ऐसा कुछ नहीं। बट आप अपने दिल से जो देना चाहो वो उन्हें दे सकते हो। वो मंदिर के यहाँ से आगे आने के बाद कुछ कितना मिनट हुआ आपने को मंदिर से यहाँ तक? 20-25 मिनट्स आगे आने के बाद आपको ना ऐसा दो पैच आएगा, एक राइट जा रहा है, एक लेफ्ट जा रहा है। आपको राइट जाना है ताहुली के लिए, और अगर आपको लेफ्ट जाना है तो ये वाला वो रास्ता है जो जाएगा रिवर्स वाटरफॉल के इधर। और हम जाएंगे, बताओ कहाँ जाएंगे? ताहुली के रिवर्स वाटरफॉल। व्यू कहाँ पे मिलेगा? ऊपर से हम जा रहे हैं ताहुली। और यहाँ पे आपको ऐसा मार्किंग भी दिखी जाएगा, ये पीक के लिए, ताहुली पीक के लिए। चलो फिर मंडली, चलो चलो चले चलो मितवा। इसके आगे गाना गाओ ना, मेरे को नहीं आता है। पहले गाना तो इससे पहले दो रास्ता डिवाइड हुआ, वहाँ से थोड़ा आगे और आने के बाद फिर से दो रास्ते डिवाइड होते, एक जाता है राइट और एक जाता है लेफ्ट। हमें जाना है राइट में, लेफ्ट वाला साइड अवॉइड कीजिए। और ये देखिए यहाँ पे ऐसा साइन बनाया हुआ है पत्थर का, आपको पता चल जाएगा कि रास्ता इधर से ही है। वैसे अभी जाते जाते शुभम ने भी यहाँ पे ऐसा साइन बना दिया पत्थरों का। देखिए यहाँ पे
भटकने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि बारिश में ये पूरा घना जंगल हो जाता है, चीज़ दिखाई नहीं देता है, जो ट्रेकिंग के जो साइन होते हैं तो दिखते नहीं है बरोबर, ये आप ध्यान रखिए। इससे पहले जहाँ रास्ता डिवाइड हुआ फिर हम लोग ने राइट लिया, थोड़ा सा ऊपर आते ही ये जो सीढ़ी है इसके ऊपर आते ही यहाँ पे देखिए वाटरफॉल है, ये वाटरफॉल से ऊपर आते ही ये वाला रास्ता लेना है, मीन्स आप यहाँ से आओगे और ऐसा यहाँ पे जाओगे। हमने जो ये जंगल का सारा पैच अब कंप्लीट कर लिया है, हमने वैसे 70% ट्रैक कंप्लीट कर लिया है। कैसा लगा जंगल क्रॉस करके? और अब जो हमें चढ़ना है वहाँ तक जाना, हमें हाँ यहाँ से जाएंगे, वो देखो एक लड़का चढ़ रहा है, वैसा करते करते फिर वहाँ जाएंगे, फिर लास्ट में पहुँचेंगे ऊपर, जाके जो सुकून मिलेगा सीरियसली, ट्रैकिंग का असली मज़ा वही है। लेकिन कुछ लोग आज ऐसे भी जिनको सुकून मिलेगा नीचे उतरे खा के नॉन वेज, बस खाली टेस्ट अच्छा मिले बना लेंगे है ना। चलो अभी ये हम क्रॉस करेंगे और ये देखिए पूरा बादल, उसके बीच में फॉग आ रहा है जा रहा है। ताहुली तो मैंने इससे पहले ट्रैक किया हुआ है, अगर आपने मेरा लास्ट ईयर का वीडियो देखा रहेगा तो मैंने हंसन ने ब्रिजेश ने अखिल और अजीत हम पांच लोग ने मिलके ट्रैक किया था, और आज शुभम और प्रिंस नए हैं और मोनू भी नया है ये ट्रैक के लिए। आप हवा से अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पे हवा कितना चल रहा है, दीजिए आप यहाँ से आए ऊपर और ये साइड आते हो तो हमें लेफ्ट जाना है ताहुली, और यहाँ से एक राइट रास्ता जाता है, वो जाता है पांच पीर की तरफ, हम कहाँ जाने वाले हैं? ताहुली की तरफ, ये साइड नज़ारा देख लीजिए आप लोग, और ये पूरा क्लाउड्स पूरा दिखाई दे रहा है कि मूव हो रहा है, देखिए यहाँ पे भी देखिए, और इनका फोटोग्राफी शुरू है अभी तक को बैग दे दिए ये लोग फोटो, बट जब धूप नहीं है तो ये भाई हर फोटो में गॉगल क्यों पहन रहे हैं? हो गया ना, फाइनली हम लोग ताहुली के पीक पे पहुंच चुके भाई लोग, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा, जन्नत में आ गए, मजा आ रहा है ना, क्या बोला था ऊपर आके बहुत हवा आएगा। अब शुभम हा? कितने देर में पहुंचे हम लोग? साढ़े चार घंटा। और तूने कितनी कैलोरीज बर्न किए? 1300 कैलोरीज बर्न किए, और स्टेप्स कितने हो टोटल तेरे? 11,407, मतलब सेम टू सेम अपना भी उतना ही होगा 11,000। यही दिमाग होता है सबके, अलग होते हैं स्टेप्स में भी डिफरेंस होता है। हाँ तो यहाँ से आ जाने हम लोगों को 4.5 घंटा लगा, वैसे तो ये ट्रैक जो है 3 घंटे के अंदर आप चढ़ सकते हो ऊपर, बट हम लोगों ने बहुत सारे रील्स बनाए हैं, फोटो हमारा एक्चुअली फोटोशूट ही चालू था एक तरफ देखा जाए, खाली ये जो एक बंदा है ना ये नया है, जब देखो हर जगह 10 मिनट में फोटो फोटो फोटो, ये मेरा फोटो, अरे मैं अकेले फोटो ले रहा हूं, बाकी सिनेमैटिक शॉट लेना था और ब्लॉगिंग करते करते आ रहे थे, तो इसके लिए हम लोगों को 4-4.5 घंटा लग गया, और हम लोग ने जो चिकन दिया जहाँ बनाने के लिए वहाँ पे हम लोग ने 15-20 मिनट टाइम पास भी किया भाई, हमारे पास कुछ हम लोग नेचर को एंजॉय करते करते आ रहे, और जो नीचे हमको कुत्ते मिले थे एकदम नीचे से वो ऊपर तक आ गए, हम उनको बीच बीच में बिस्किट और जो हमने नॉनवेज लिया डाल ही रहे थोड़ा थोड़ा, अब जब नीचे बैठ के खाएंगे आराम से वो भी डालेंगे, और यहाँ पे पूरा वेदर फॉगी हो रखा है, क्लाउडी एकदम, और यहाँ पे एक संत गाड़िया महाराज, ये धर्मशाला एक है, अगर आप रात को यहाँ पे रुकना चाहते हो तो यहाँ पे रुकने के लिए जगह भी है, या फिर आप अपना पर्सनल टेंट भी लेके आ सकते हो, और देखिए क्या वेदर हो रखा है, फॉग में
कैसा लग रहा होगा देख के। यहाँ से जब हम अंदर आते तो ये साइड ना, ये पूरा साइड माथेरान का रेंज दिखाई देता है, बट अभी आपको क्या दिख रहा है वो देखिए। फॉग फॉग है, पूरा क्लाउडी वेदर है, और ये लोग भी ज़्यादा दूर से दिखाई देते हैं कि नहीं। और यहाँ पे ये लोग कौन का मजा लेते हुए खत्म हो गया। वाह, कैसा है तुम लोगों का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, बढ़िया बढ़िया। तो अभी नेक्स्ट ट्रैक कौन सा? नेक्स्ट ट्रैक अभी माउंट एवरेस्ट। यहाँ पे मेरा व्लॉग एंड नहीं हो रहा है, क्योंकि डिसेंड करने के बाद जो मैंने आप लोगों को थोड़े टाइम पहले दिखाया था, जो मैंने नीचे हम लोगों ने चिकन दे रखा है, हमारा नॉनवेज का प्लान है। नॉनवेज कौन कौन खाने वाला है, हाथ उठाओ। और एक मैं भी, तो डिसेंड करते सीधे। कुछ हाफ एन आवर हो गया है डिसेंड करके, और हम आराम से उतर रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा चल रहा था ऊपर, बारिश हो रहा था। तो और अब कुछ ऐसे पैच पे आ गए, देखिए कितना कीचड़ और ग्रीनरी, और सारे लोग मज़े लेते हुए। सबसे ज़्यादा तो ये मज़ा ले रहा है इसको हम बीच में रख रहे, लेकिन पता नहीं कैसे पीछे जा रहा है। हम इसको बीच में रख रहे और पीछे जा रहे हैं, मजे लेने के लिए पीछे जा रहा है। बहुत मोटर। चलो गाइस फॉलो मी। ये कीचड़ इसलिए हो गया है क्योंकि अभी आधा घंटा कंटिन्यू अच्छा खासा बारिश हुआ, तो कीचड़ हो गया। और ध्यान, नहीं 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 उधर नहीं, इधर इधर उधर से नहीं। और ध्यान देखिए, देखिए बारिश में ना ऐसे पत्थर गिरते रहते। हाँ आई इधर से थे, तो रिस्क ना ले। अगर आपने ट्रेकिंग किया है कभी तो ठीक, अदरवाइज किसी एक्सपीरियंस के साथ ही जाए, अकेले ना जाए। अब हम लोग पहुँच चुके हैं ये मंदिर के यहाँ पे। पैरों का कुछ इस तरह का हालत हो गया है, सबका हुआ है ना, क्योंकि शूज़ उतारा ही नहीं गया है। और अब हम यहाँ पे नॉन वेज खाने वाले, अच्छा खासा ये मामा ने बना दिया है। कितना टाइम लगा मामा बनाने को? आधा घंटा। ये हमारा चिकन रेडी हो चुका है, और अब पहले चावल सर्व करेंगे, और उसके ऊपर चिकन और रस्सा, चिकन और राइस मोनो शुरू कर। मस्त गरम गरम है ना। सिर्फ ब्रिजेश और प्रिंस वेज खा रहे, और बाकी मैं शुभम और मोनू नॉन वेज। बता फिर आज का ट्रैक कैसा था? अभी यहाँ से नीचे पहुँच गए तो और अच्छा लगेगा। अभी यहाँ से हमें नीचे पहुँचने के कुछ एक घंटा लगेगा। मेरा पैर अभी से ही कांप रहा है। तो घर पे जाके अभी तो दो दिन आराम करने वाला है। सवाल, आई होप आप लोगों को आज का ये ट्रैक का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो भाई लोग बता दो क्या क्या करना है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी, कमेंट कौन बोलेगा? लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली करो, और जो बेल आइकन होता है वो दबा दो, ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आए तब आपको नोटिफिकेशन मिले। और हाँ, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था, तो इस वीडियो में भी वीडियो एंड करने से पहले कहूँगा, अगर किसी को ट्रैक करना है हमारे साथ तो इंस्टाग्राम पे DM करो, और अगर मेरे ही कोई फ्रेंड देख रहे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। इंस्टा पे मैं स्टेटस दो दिन पहले लगा दूंगा कि हम लोग नेक्स्ट ट्रैक कहाँ करने वाले हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है हमारे साथ ट्रैक करने में, आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, अगर विश है आपका ट्रैक करना, तो DM करो इंस्टा पे। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बी सेफ, कीप डांसिंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।